सबने जन्माष्टमी तो बना ली, मगर किसी को भी उस दिन जन्मी वह लड़की याद नहीं जिसकी जान बचाने के लिए कृष्ण भगवान की जगह लड़की को जन्म दिया गया था। लड़की का जीवन अनमोल था, लेकिन लड़की का जीवन अपने जीवन का बलिदान देने के लिए ही हुआ था। अष्टमी के दिन सिर्फ कृष्ण भगवान का ही नहीं बल्कि योग माया का भी जन्मदिन था। कहा जाता है कि योग माया कंस के चुंबल से मुक्त होकर स्वर्ग चली गई और उसने कंस को ये घोषणा की कि तेरा हत्यारा पैदा हो गया है। शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कृष्ण के अन्य भाई बहनों की तरह वह भी मारी गई। योग माया भी शक्ति का अवतार थी जो किसी पुराने वादे को निभाने के लिए भगवान विष्णु के अवतार के साथ ही जन्मी थी। जब कंस ने उसके पैरों को पकड़कर जमीन पर पटक दिया तो वह यह कहकर स्वर्ग को चली गई और उड़ गई कि कंस तेरा हत्यारा तो जन्म ले चुका है, मैं तुम्हें मार भी सकता था लेकिन तुमने मुझे अपने पैरों से पकड़ लिया था, इसलिए मैं इसे तुम्हारी विनम्रता की अभिव्यक्ति मानता हूँ और तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। कृष्ण का जन्म रात के अंधेरे में जेल के बंद कोठरी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के समय सभी पहरेदार सो गए, जंजीरें मतलब अहंकार टूट गई और वर्जित दरवाजे मतलब जाति धर्म संबंध आदि धीरे से खुल गए। इसी प्रकार जैसे ही कृष्ण हमारे दिलों में जन्म लेते हैं सारा अंधकार और नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं और यही जन्माष्टमी का असली संदेश और सार है।